15 तो हुए थक जाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन लिख के दिए, ब्लैक ही हो गए हैं। एडजस्ट कर रखा है मैं और जलने के बाद में गिर जाएगा। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह सुबह हम दोनों रेडी हो चुके हैं। गोलू भी इधर रेडी है पूरी, और हम लोग निकल रहे हैं अभी सलोन के लिए। तो मिलते हैं सलोन में। तो ये है कुछ हमारा फाइनल लुक, मतलब हमारा पायल अभी आ रही थी। पल तू भी आ जाओ। तो एक्चुअली ये ड्रेसेस हमने बहुत पहले ली थी, पर पहनी एक बार भी नहीं। आज जाके इसका नंबर लगा है तो हमने आज ये पहन ली है। और एक साथ में ना एक और बात है, जब हमने नया बैग लिया है। और मेरे को ना एक बात और बोलनी थी, हमारी जो चप्पली है ना ये थोड़ी पुरानी टाइप की हो गई, तो मैं सोच रही हूँ फ्लैट में ना और चप्पली ले आए। और सच में ये ड्रेस इतनी कम्फर्टेबल है। आज हमने फर्स्ट टाइम पहनी है ड्रेस। तो आज चीकू के पापा हमें बोल रहे थे कि तुम ना 20-25 वन पीस ले आना। तो ना 20 लाएंगे, ना 25 लाएंगे, 30 ले आएंगे। 15 तो है। तो आज हमारी लिफ्ट में गुलाब की महक आ रही है, लगता है किसी ने गुलाब वाला सेंट छिड़का है। तो क्या होता है, छिड़काव किया है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ऑफिस सलोन अपने, और थोड़ी सी थकान हो जाती है चढ़ते चढ़ते ना, लिफ्ट में आते हैं ना थक जाते हैं। अभी आते ही सबसे पहले बस मेरे को आते ही ऑफिस में एक ही चीज याद आती है, दवाई और पानी। तो गाइज आज मैं सोच रही हूँ कि वॉमिट की मेडिसिन भी खा लूँ, क्योंकि ना बहुत अजीब सा हो रहा है, भरा भरा सा, मतलब कि ना दो दिन से ऐसा हो रहा है जैसे ना अजीब सा ही हो रहा है। तो मैं अवॉइड कर रही थी, पर आज मुझे वॉमिट की दवाई खानी पड़ेगी। और पायल भी खाएगी है। पायल मुझे भी आज अजीब अजीब सा लग रहा है, आज मैंने कुछ नहीं खाया सुबह। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि हमारा जो स्टाफ है ना, वो बच्चे बहुत दूर दूर से हमारे पास यहाँ पे आके रह रहे हैं अकोमोडेशन में अपनी फैमिली से दूर। तो आज दशहरा है, दशहरा सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने परिवार के साथ, तो उनको ऐसा अकेलापन फील ना हो, तो हम आज कुछ स्पेशल सोचते हैं बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, और उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं दशहरा। भाई बिल्कुल सही बोल रही है पायल। आज एक काम करते हैं, आज हम सारे, मैं, पायल, रीत, रजनीश भैया, इनको ही बुला लूंगी, और सारे बच्चे, आज हम सोच रहे हैं पार्टी करते हैं। तो आज गाइस मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या काम करूँ क्या काम ना करूँ। तो आप बताओ भैया क्या करना चाहिए। भाभी अभी बोल रहे थे आप दशहरा का कुछ सेलिब्रेशन बच्चों के साथ। मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मंगवाती हूँ, जग्गा भैया, ये मीत भैया को भेजती हूँ, बच्चों के लिए कुछ खट्टा मीठा मंगवाए। चलो ठीक है, पायल से बोल देते हैं कि क्या मंगवाना है। और भैया हमारे यहाँ पे नया सेक्शन भी लगे ना आइकॉनिक। हाँ जी बाबा, चीज दिखाती हूँ आज मेरे। तुम्हारे यहाँ पे ना आइकॉनिक प्रोफेशनल का पूरा न्यू ये सेक्शन सा बन गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज अभी यहाँ पे ना कलर वाली बुक लगी थी, तो कलर वाली बुक से मुझे कहानी याद आई, जब हम ब्लॉग्स नहीं बनाते थे ना तब की बात है। तो एक बार ना मैंने ना ऐसा और एक ऐसा कलर ना, मैं सलून गई और पायल और मैंने ना कुछ ऐसा और ऐसा कलर करवा लिया। तो जब मैंने ऐसा कलर करवाया ना, ओहो मेरे पे बिल्कुल सूट नहीं करा, और मैं घर आई ना मुझे इतनी डांट पीटी थी। तो अभी मैं कलर देख रही हूँ ना पायल, तो मुझे एक कहानी याद आ गई। तो मेरे को ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ये कलर कर दो मेरा, करवा ले। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये कलर करा लूँ। नहीं पायल गाइस अब बताओ, मैं बताती हूँ गाइस रुको, अभी हम थोड़े में एक्सटेंशन करवाने वाले हैं, तो फिर हम जब पूरे बाल लगेंगे ना तो वो चीजें मैच हो जाएंगी। अगर देखो अभी करवाना तो अभी करवा ले। नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, ये बुक खोल के रखनी है मैं। अच्छा अच्छा, तूने एक चीज देखी, आइकॉनिक प्रोफेशनल का हमारा लग गया, देख डब्बा कितना सुंदर लग रहा है, इसने अपने हाथ दोनों हाथों को खुद से किया है और अच्छे लग रहे हैं ना बहुत। मैं भी ऐसे करा लेती हूं, क्वेश्चन नहीं समझे तो मैं कैसे, मतलब खुद से कैसे करा। आर्टिस्ट हूँ तो इसीलिए मैंने खुद ही किया है। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, खुद ही सब कुछ करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी करा लूँ, ये करवा ले, इससे करा लेती हूँ। श्योर मैम, जब भी आप बोलो आई विल बी फ्री। ठीक है, मैं नेल्स हटाती हूँ अपने पुराने वाले हटाती हूँ, असली वाले नए वाले लेके आती हूँ। मैम ये बीबी आई आपसे मिलना चाहती है, सो क्योंकि चिकू को भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। हिसार से उनके डैड ने भेजा साथ में। अच्छा हिसार से आई है। हाय, व्हाट्स योर नेम? मन्नत। क्या नाम है? मन्नत। कितने साल की हुआ बेटा? चीकू जितनी है। आज वो फोटो क्लिक कराते हैं। इसका फोन कहाँ है? ये दिया। ठीक है आज
काल पता क्या हुआ, मेरी ना चूड़ी यहाँ पहनी है ना, इस पर मेरे स्टोन है ना, मेरी ड्रेस खरोच गई। खरोच गई? हाँ। वो तो छोटी बात है, तो नए कपड़े पहनती है फाड़ती तो है ही। वो आज नई ड्रेस पहनी है, न्यू पिंच भी नहीं किया किसी ने मुझे। जब भी तू नए कपड़े पहनती है तो कुछ ना कुछ करती है उनके साथ। अब मेरे को ये बताना, वो ड्रेस खरोच गई मेरी, ये मेरे भी है, मेरे तो नहीं खरोच रही। तेरी ड्रेस ऐसी नहीं है, मेरी है। मेरी भी ऐसी ड्रेस है, खरोच रही को खरोच नहीं सकती। इसको तो यार, इसको तो मैं बताऊंगी नहीं मेरा खर्चा क्या, नहीं खर्चा। तो गाइस एक काम करती हूँ, पायल को ना पागल बनाती हूँ। पायल को मैं ये बात बोलती हूँ कि ना ड्रेस कट करते करते ना मुझसे मेरी ड्रेस फट गई, तो पायल का रिएक्शन देखती हूँ क्या होगा। फिर पायल अभी ऑफिस के अंदर है, मुझे पक्का ही यकीन है पायल मुझे बहुत डांटे, क्योंकि ना भैया देखो हाथ लगाओ नई कैंची है ना, एकदम तिरखी 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 तिरखी। चुप रहो, जाऊ पायल हो गया या वो ड्रेस का धागा कट करी थी ना, नई कैंची थी तो गलती से ड्रेस। तेरे को ये मास्टर बनने के लिए किसने बोला था गोलू? रफू करवा दिया जैसे 3,000-3,500 का नुकसान। ये तो ना वाली मूवी की बात कर देती है, प्राइस टैग बता देती है। तो प्राइस टैग तो इतने की तो है और पहली बार पहनी है। चरम नहीं आई तुझे? रफू करवा ली, जरूर सा काटना, रफू करवा लू। अब तो ऐसे पकड़ के घूमेगी? नहीं मैं घर जाके चेंज करके आ गई। तेरे को तो नए कपड़े देने ही नहीं चाहिए, पुराने कपड़ों में लेना चाहिए तुझे रोज। नहीं करता, मजाक कर रही थी। भाई मैं शामिल नहीं था इसमें बिल्कुल भी, शामिल नहीं था। ये लोगों के सामने तुम ये दिखा दो कि पायल कितनी चंडाल है, हैं? कितनी जाली औरत है। भाभी इसमें बिल्कुल भी मेरा कोई योगदान नहीं था। मैंने ये चीज दिखानी थी कि पायल के साथ प्रैंक करते, क्योंकि देखो गाइस कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा प्रैंक करती हूँ कितनी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है प्रैंक करना। जैसे कि आपको पता है हम बहुत प्रैंक करते हैं पायल के साथ। इस चीज से पता लगता है कैची में आइकॉनिक के देख लो। अभी इस चीज से पता लगता है कि भाभी को बहुत चिंता रहती है कपड़ों की, इन सब चीजों की। मतलब पायल लव्स मी एंड माय क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। हाँ सुमत तो कैमरे के पीछे मारूंगी बहुत। तो गाइस यहाँ पे मेरी मजेदार कुकीज आ गई है, तो ये कुकीज स्पेशली हेयर गार्डन कुकीज है, और ये हेयर गार्डन चाय। तो आप भी आइए और कुकीज और चाय का आनंद लीजिए। गोलू बहुत ढूंढ रही थी अभी सामान ना खाने पीने का, तो कुकीज निकल ही गए गोलू के लिए। तो ये जो भैया है ना, ये आते हैं बहाने से गोलू की कुकी खा के जाते हैं। गोलू तेरी कुकी कहाँ जा रही है? मैंने 3 कुकी खाई थी, मेरी दूसरी है। अभी कह रहा है इसकी दूसरी है, कह रहा है अभी दूसरी है, तीसरी और करनी है एक बार। भाभी मेरे को पता ही नहीं चल रहा है एक्चुअल में ये है क्या, मैं खा के देख रहा हूँ। ये वो कह रहे थे मट्ठी है, आप कह रहे हो कुकी है, और ये कह रहे बिस्किट है। पता नहीं मैंने तो खाई नहीं, मैं खा के बता सकती हूँ। पता नहीं चलता इसको, कल रात को चिप्स का भी पता नहीं चलता। कल तो वो खा रहा चिप्स याद क्यों नहीं रहेगा मेरे को, सब याद है। तो गाइस मुझे तकरीबन ना 3 महीने हो गए, मैंने अभी तक ना ब्लीच नहीं कराई है फेस पे, तो मैं मेरे ना बहुत ज्यादा ब्लैक बाल दिखते हैं मेकअप में भी। तो मैं सोच रही हूँ अब अपने यहाँ पे सलोन है तो अपने बच्चों से जरा मैं ब्लीच करा लेती हूँ। और ब्लीच के बाद एक फेशियल आया हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा, उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने फेस पे कराऊंगी वो फेशियल, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है, अब हम लेडीज को तो तैयार होना ही पड़ेगा, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत भी तो रखना है। तो मैं जा रही हूँ अभी फेशियल कराने और ब्लीच कराने, उसका रिजल्ट जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। मेकअप उतार के भी देती हूँ मैं अभी कैसी हूँ, बाद में कैसी होंगी। छेड़ सकती मैं इसको? ये सर माइक्रो ब्लीडिंग की मैपिंग होती है, पहले हम इनका पूरा मैपिंग करेंगे। इनकी पूरी देख सकते हो आप, इनकी जो आईब्रोज है वो शेप में ही नहीं है, तो अभी इनको हम शेप देंगे और इनसे पहले कंफर्म करेंगे इनको ये शेप अच्छी लगती है नहीं लगती है, या फिर उन्हें अपने हिसाब से ही कोई करवानी है। तो अभी ना यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त टैटू बनने वाला है और बहुत ही सुंदर है, मैं दिखा देती हूँ। भैया टैटू ये बनाएंगे, क्लाइंट है उनकी डॉटर है और सेम एग्जैक्टली बनेगा। मतलब देखो एक ना बहुत ही अच्छी चीज होती है, चेरिश मोमेंट होती है कि आप अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम और या उनकी पूरी पिक्चर ड्रॉ करोगे। कहाँ पे बनेगा ये? आर्म पे बन जाएगा, इस पीस में। अच्छा वाओ, चलो ठीक है, काफी टाइम लगेगा इसको बनने में ना। एकदम से कहाँ चले गए थे? मैं खाना खा रहा था। हाल बता रही, मेरा स्कैन करवाना। मैं खाना खा रहा था एकदम से, पता नहीं मैं हम खाना छोड़ के गए हैं। हाँ मैं वही देख रहा था, खाना यहीं पे रखा। हाँ तो कुछ दिक्कत हो गई थी, हॉस्पिटल गए हैं हम, हॉस्पिटल चेकअप करा के आए। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली कल मेरा ना स्कैन होना था, तो वो डॉक्टर का फोन आ गया था कि आप स्कैन करवा लो, क्योंकि उनको पता चला ना मेरी हिस्ट्री के बारे में कि पहले भी क्या हो चुका है। तो फिर डॉक्टर गई, उसने अर्जेंट फोन आया आप स्कैन कराओ। फिर मैं डॉक्टर को बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ पहले क्या क्या प्रॉब्लम हो चुकी है मिसकैरेज का। डॉक्टर ने
मुझे बहुत सारी मेडिसिन लिख के दी है, बहुत सारी मेडिसिन दी है कि आज से मेरी मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन भी स्टार्ट हो रहे हैं जो 5 महीने तक चलेंगे। तो पायल के साथ गई थी, बस पायल का कल हुआ था स्कैन, मेरा आज हुआ है। आज मैंने स्कैन में हार्ट बीट भी सुनी थी बेबी की, वो सब कुछ तो ठीक है, बस दवाइयाँ ऐड हुई है। जैसे मैं रोज फॉलिक एसिड खाती थी ना दवाइयों के साथ, तो साथ साथ अब कुछ और दवाइयाँ भी खाऊंगी। तो भाभी अब खाना खा लो पहले। हाँ मैं खाना खाऊंगी, उसके दवाइयाँ खाऊंगी। तूने खा ली दीपक? नहीं। क्यों? दीदी लोग बाहर गए थे तो मैं कैसे खा लेता। हम एकदम उठ के चले गए थे ना हॉस्पिटल। मैंने आके तुम तो सबसे निकम्मे हो। तुमने भाभी सुनो तो, मैं उधर खा रहा था, मैंने आके देखा तो आपका खाना रखा हुआ था, मैंने पूछा उनसे। अरे भैया हुआ ये था, आज दशहरा था, गायनी जो थी वो कह रही थी मैं जा रही हूँ आप स्कैन करा लो भैया, देखो स्कैन इम्पोर्टेंट है ना। तो मेरे दिमाग में ये था यार कि अब छुट्टी है, दशहरा था, वो जरूरी था स्कैन। और फिर अच्छा हुआ ना आज मैं चली गई, मेरे को दवाइयाँ मिल गई। तो गाइस आज लंच में है आम का चार, रोटी, आलू का परांठा। ये सिर्फ हाँ मैं खा रही हूँ भाभी, ये आम का चार मैं खाने वाला भाई। ये मेरा आम का चार है जो तुम नीचे लेके गए थे, ये लोग खा रहे हैं आलू परांठे, मेरे को खाने है सिंपल रोटी। आपको तो भैया डॉक्टर ने बोला, कह रहा है जो प्रेगनेंसी होती है ना बहुत अच्छी जर्नी होती है, तो आप इसको एंजॉय करो जितना हो सके। और आप दोनों बहुत हार्ड वर्किंग हो, मुझे पायल को बोला, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर से बहुत सारी बातें करी। हमें लगा लो भैया 1.5 घंटा लगे ना हॉस्पिटल में। डॉक्टर बहुत रेस्ट करने को बोला है। तो हमारी लस्सी का ग्लास भी यहाँ पे रखा, वो भरा हुआ रखा था, वो उठा के हमने फ्रिज में रखवाया क्योंकि हम निकल गए थे। हमने नहीं रखवाया, दीपक ने रखवाया क्योंकि हम लोग चले गए थे। पायल आज जो शांति ने सब्जी थी जो टेस्टी लग रही है ना, मैं उसको बोल रही हूँ कि रोज ना एक काम करके थोड़ी सी आलू की सब्जी, थोड़े चावल, थोड़ी दाल, थोड़ी रोटी, थोड़ा अचार, थोड़ी सी लस्सी, थोड़े बिस्किट, थोड़े फ्रूट दे दिया करे तो रह क्या जाएगा। गाइस मैंने मेरी प्रेगनेंसी में ना ये जो आलू है, आलू और प्लेन परांठे, मैंने ये कम से कम भी 9 महीने खाए हैं। मैं घर से निकलती थी ये बना के और ये खा के, और फिर घर में आती थी ये बना के ये खाती थी, मतलब यही चलता था मेरा पूरा 9 महीने। मैंने आलू और परांठे छोले भटूरे, और तेरे को देखे देखे मैं हूँ। मेरे भी भाई जब से ना, जब मेरे तो 3rd महीने चल रहा है, 3 महीने मैंने फुल परांठे आलू की सब्जी, परांठे आलू की सब्जी, छोले भटूरे नहीं खाए। मैं कल से खाऊंगी छोले भटूरे, नहीं छोले कुलचे खाती थी मैं, मुझे को बहुत फेवरेट थे। अभी भी अगर मेरे को दिल्ली वाले छोले कुलचे मिल जाए ना यहाँ पे, रोज खाऊं तो मैं रोज खा सकती हूँ। अभी वही वाले लाडू जो दिन नितिन ने खाया था, ठीक मैंने नहीं खाए थे वो न्यूट्री वाले, खाए नहीं वो टेस्टी। मैं नहीं खाती न्यूट्री पुट्री, न्यूट्री पुट्री नहीं खाती, न्यूट्रेला परांठा नहीं अच्छा। वो टेस्ट करके देखो बहुत अच्छे हैं भैया। मुझे ना दिल्ली वाले छोले कुलचे पसंद है, जैसे लब वो नहीं करते घर पे बनाए थे, पर वो बात नहीं बनी। मतलब पर हमने तब भी खा लिए थे, अच्छे तो थे, इतने बुरे भी नहीं थे। नहीं बुरे थे, सच में बुरे थे, बहुत गंदे बोले थे। मैंने बनाए थे गाइस, पता वो कमी क्या रह गई थी गाइस, कमी ये रह गई थी कुलचा, वो जो कुलचे थे ना, वो कुलचे बहुत खराब वाले लेके आया था। कुलचे चाहिए होते थे बिल्कुल पतले सॉफ्ट वाले, वो थे खड़क खड़क। गाइस आप जो हमारा ब्लॉग देख रहे ना दिल्ली से, तो आप हमारे छोले कुलचे भिजवा देना हेयर गार्डन में, मैं खा लूंगा। कोई भी रिश्तेदार आएगा ना दिल्ली से यहाँ आ रहा होगा, तो अगर वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए यहाँ तो भिजवा देना, वरना तो स्वाद खत्म। या तो कोई मेरी बात सुन रहा है ना दिल्ली से सीधा, कोई कुक है छोले कुलचे वाला, हमारे घर पे आ जाओ, हमें रोज खिलाओ। चीकू को बुला लेती हूँ मैं तो। अभी एक स्पेशल छोटी सी प्यारी सी बेटी आई है, बेटा तेरा नाम, व्हाट्स योर नेम? अमायरा। तो अमायरा मेरे पास आकर पूछती कि चीकू कब आएगा, मैंने कहा बेटा वो तो घर पर है, तो शी इज डिमांडिंग कि मैं चीकू को बुला लूँ, तो बुला लेती हूँ बेटा, ठीक है? ओके। वो मन्नत भी पूछ रही थी ना, मन्नत आप भी पूछ रहे थे ना, दोनों को खेलना है चीकू के साथ, ठीक है? मैं बोलती हूँ नितिन भैया को, बोलती हूँ लेकर आए उसे। तो ये मेरी दोपहर की दवाई का टाइम हो गया है, और मैं आज मेरे वाला पत्ता जो है ना खत्म हो गया था दवाई का, मैं नया रख के लाई हूँ। और आज से हमने, मैंने और गोलू ने ये सोचा है कि हम ऑफिस में ना 1-1, 2-2 घंटे ना दोनों में से एक बंदा सोया करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। दोनों में से एक नहीं सोया करेगा, दोनों सोया करेंगे एक एक करके। हाँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल रेस्ट के लिए, और पर रेस्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन ऑफिस भी आना जरूरी है, सलोन भी देखना पड़ेगा ना, आना तो जरूरी है, क्योंकि इतने लोग आते हैं प्यार से हमें मिलने आते हैं इतनी दूर दूर से, और उनको हम ना मिले वो निराश होके जाएं तो अच्छा नहीं लगता। अभी भी एक फैमिली आई थी बहुत ही अच्छी, कुरुक्षेत्र से आई थी वो फैमिली, और वो लोग शेविंग करा के उसके पापा चले गए थे, वापस हमें देख के ऊपर आए हैं कि हम लोग आ गए हैं, तो वो फोटो लेके गए हैं। अगर हम नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता ना, वो इतनी दूर से आके निराश होके जाए। और आज ना बहुत दूर दूर से हमारी सब्सक्राइबर्स हो गए, हमारी फैमिलीज हो गए, काफी सारे लोग आए हैं यहाँ पर, एक मुंबई से भी आए हैं और एक बैंगलोर से भी आए हैं, और एक अभी भैया से मैं मिली थी जी जो अपनी बेटी का टैटू करवा रहे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि हम हिसार हांसी से ही हैं,
तो वो भी आए हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी दूर से आते हो, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, एक जरिया नहीं था मिलने का, पर अब एक जरिया है हमारे आप लोगों के पास और हमारे पास भी मिलने का आप लोगों से, तो हम लोग यहाँ ही होते हैं, तो आप जब भी आए हम आपको मिलेंगे हमेशा। अभी मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। तो गाइस हम वन बाय वन करके रेस्ट करने वाले हैं, एक घंटा गोलू करेगी फिर एक घंटा मैं करूंगी, तब तक गोलू सो रही है तब तक मैं ब्लीच करा लेती हूँ, मेरे बाल बहुत ज्यादा हैं, ब्लैक ही हो गए हैं। ब्लैक ही तो पहले मेरा अपना मुंह का थोपड़े का फाउंडेशन हटाना पड़ेगा, मेकअप हटाना पड़ेगा, उसके बाद होगी ब्लीच। दरवाजे कौन खुल के गया है? ये है दीपक जो सामने क्लाइंट बैठे। भैया बंद करो ना, वो क्या सोचेंगे सो रहे हैं। सही तो है, जब कोई मिलने आता तभी तो नहीं ना, तब तक आराम करो। यार कितना अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे लेट के, हम दोनों रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए। आज बोला अमिताभ बोले थे एक घंटा करने का। मेरा मूड चेंज हो गया, हमें कहा हम दोनों कर लेते हैं, अभी तो हम इस बेड पे लेट सकते हैं, कुछ टाइम में जब नहीं लेटेंगे तब की बात अलग है। तो गाइस हमारे जो बच्चे हैं ना स्टाफ में, वो हमें इतना रिलैक्स फील कराते हैं ना, हम आपको बता नहीं सकते। देखो दो लेट देखो यहाँ पे दो एडजस्ट कर रखा है, और मेरी ब्लीच हो रही है। और गाइस मेरा कोई काम नहीं है तब भी मैं यहाँ पे लेटी हूँ, मैंने बोला तुम इनकी ब्लीच करो तब तक मैं सो रही हूँ। तो गाइस अभी मैं बाहर जा रही थी किसी काम से, तो मैंने पायल को बोला, मैंने कहा मैं यहाँ से उठूंगी, मेरी जगह पे कब्जा मत करियो, मैं तेरी जगह बचा के रखूंगी। मैं इतनी जगह में लेटी थी, जगह कितनी कंफर्टेबल हूँ मैं यार, कितनी फ्लेक्स, मतलब देखा जाए तो मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल लड़की हूँ। कभी भी हालत बहुत झूठी, मैं ऐसे थी पहले, तेरा ऐसे भी के लगा लिया तब भी इतनी जगह। मैंने बात कर ली है तुम्हारी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे से प्यार करने वाले लोग हैं, तो ये आए हैं मुंबई से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं हमसे मिलने के लिए, तो बस मैं इनसे बातें कर रही थी, और इनकी छोटी सिस्टर है उनसे भी वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, वो भी बहुत जल्दी हमारी हेयर गार्डन इंटरनेशनल ब्यूटी अकेडमी ज्वाइन करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। तो ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर आए, और ये गिफ्ट ऐसा गिफ्ट है कि अभी तक किसी ने नहीं दिया है, ये मतलब लाइफ टाइम एक स्पेशल रहेगा मेरे लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये छोटे बेबी के लिए क्लोथ लेके आया है, वो भी सेम जैसे मैं और पायल सेम कपड़े पहनते हैं, ऐसे बेबीज के लिए भी सेम कपड़े लेकर आए हैं। और एक और चीज लेकर आया है, वो भी दिखा देती हूँ, ये शिको के लिए लेकर आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, और जल्दी शिको को तो पहना दूंगी, बाकी सबका वेट है। एक और है, ये भी सेम है, ये भी दो सेट है, तो ये भी बेबी के लिए लेकर आए हैं, बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने जस्ट आकांक्षा की वीडियो देखी, और सीरियसली वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो अभी हम यही बात कर रहे थे, और सच में मुझे दिल से बहुत खुशी हुई है कि आकांक्षा मुझसे मिलने के लिए आए हैं। पर आप कुछ नहीं बोल रहे कैमरे के आगे। एक्चुअली मैं मेरा यहाँ पे आने का मकसद तो काफी टाइम से सोच रही थी आने के लिए, व्हेन शी केम टू मुंबई आल्सो, देन आल्सो आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट देम, बट लकीली टुडे द लकी डे फॉर मी। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने यही बताया कि काफी एक जरिया बन गया कि आप लोग आपके हमसे मिल सकते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज है कि हेयर गार्डन सैलून है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना रोज 2000 से 1000-2000 मैसेजेस होते हैं मेरे पायल के और इनके अकाउंट पे, तो हम कोशिश करके भी नहीं ट्राई देख पाते, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया हुआ इतना फोन नहीं देखना, और हम नहीं देख पाते मैसेजेस। तो ठीक है, जितने लोग आते हैं हम ट्राई करते हैं कि आप लोगों से मिल सके, हर किसी से अच्छे से बात कर सके, जो भी लोग आए उनको अच्छे से रिस्पॉन्स दे सके। यहाँ आ चुके हैं, मेरी चाय गोलू चाय नहीं पी रही। नहीं, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा, ऐसे भारी भारी सा लग रहा था, मतलब मैंने पी ना आज, मैंने दोपहर को कुकी के साथ चाय नहीं पी थी। हाँ, तो फिर बस दवाई ले ली थी, तो दवाइयाँ लेके आई आज सारी। नहीं, मैं दवाई लेना भूल गई थी, वो जो दवाई है ना मेरी वो वैसी वाली है, नाइट में दो लेनी है और एक डे में लेनी है, तो मैं सोच रही हूँ शाम के 6 बज रहे, तो डे वाली ना लू तो सीधा नाइट वाली लू, नाइट वाली से दिन में खा ले तो कभी भी खा सकती है वो। अच्छा, डे एक तो कभी भी खा सकती हूँ, फिर नाइट की भी दो है। हाँ, तो नाइट की दो वो तो एक साथ ही खानी पड़ेगी। चल ठीक है, वॉमिट वाली उसने दो लिख के दी है, लेकिन उसने एक उसने एवरीडे के लिए बोला है। उन्होंने बोला कि रात को ही ना पे काम करो, वॉमिट वाली दो खा के सो जाओ। आज गाइस मेरी वॉमिट वाली दवाई भी चेंज हुई है, कि डॉक्टर ने बोला ये वाली खाओ, और बोला रात को ही दो खा के सो जाओ, अगर मुझे वॉमिट जैसा फील होगा तो खाऊंगी, अगर नहीं होगा तो फिर बेमतलब नहीं खानी चाहिए। नहीं तो वेस्ट होता है खाना, जैसे मैंने आज खाई थी, मुझे इतने दिन से वो नहीं हुआ, आज मेरे को ठीक लग रहा है। मेरे को भी ठीक लग रहा है, मैंने तेरे साथ खाई थी वॉमिट वाली, सुबह खाई थी मैंने भी, जब तूने खाई थी तभी तो मैंने खाई थी, अब मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं चाय देख, मैंने आज चाय भी पी, मैंने खाना भी खाया। तूने कल नहीं चाय पी थी? मैंने कल खाना भी
नहीं खाया था। हाँ, आज हमने अच्छे से खाना खाया, खाना भी अच्छे से खाया, चाय भी पी है। आज ना शांति मुझे खानी चाहिए वॉमिट की दवाई। हाँ, आज ना शांति ने आलू की सब्जी भी टेस्टी बनाई थी। आज शांति चली गई, 3 बजे अभी हमें घर जाके खाना भी बनाना पड़ेगा, घर जाके 2-4 काम भी है। तो गाइस अभी अभी कालू भैया का और इनका फोन आया है, हमारे यहाँ जो रावण जी बने हैं ना उनका दहन करना है, और दहन 7 बजे से पहले होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, नियम होता है। तो इसके लिए कालू भैया ने हमें बुलाया घर पे, तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और जो पार्टी है ना मैं सामान मंगवा देती हूँ, बच्चों को बोल जाती हूँ, वो पार्टी अपने आप कर लेंगे, मैं निकल रही हूँ घर के लिए क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। गाइस इतना गिलहरी जैसा पर्सन है हमारा, ऐसे लग रहा है जैसे गिलहरी पकड़ी हुई है, गिलहरी की पूंछ है। गिलहरी भैया गिलहरी क्या होती है? गिलहरी नहीं होती, गिलहरी। तो गाइस बहुत जल्दबाजी में हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि हमारे जो आपको बताया अभी अभी, तो हमारे बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो भाग लो फटाफट, भागो, पहुंचना वहाँ पे, भागो मत, चलो। तो गाइस हम जा रहे थे, पर जाते जाते ना बहुत दूर से गुड़गांव से कोई फैमिली में मिलने आई है, बहुत ही क्यूट सा बेबी है उनके पास। हाँ, मैंने देखा, तो सबसे पहले नजर पड़ी बेबी की तरफ, तो हम लोग रुक गए हैं, वापस उनकी तरफ जा रहे हैं, उनसे मिलने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई, हाँ, दोनों के लिए मैं बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं बहुत ज्यादा, और जो बंदा ग्राउंड लेवल से उठ के इतनी ऊपर तक पहुंच जाए फिर भी चीजों को ईगो ना ले कि भाई ईगोस्टिक नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अरमान जी से भी बिल्कुल मिलना चाहूंगी। एक बात मैं भी बोलूंगी कि अभी आते सबसे पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप ना परांठे मत खाया कोई, मैंने कहा मैंने अभी भी परांठे खाया, तो उन्होंने बोला अच्छा नहीं होता, बिकॉज बाय प्रोफेशन शी इज अ डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे एडवाइस करी, और आज से ना मैं आप लोगों को परांठे खाते नहीं दिखूंगी। हाँ, अगर कभी मन कर गया खाने का इक्का दुक्का तो खा लूंगी। लोग प्यार से सच में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब कालू भैया ने इतनी अच्छी क्रिएटिविटी करी है ना, इतने सुंदर रावण बनाए ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम रात को हम जब देखने गए थे ना तो ऐसा लग रहा था ठीक है ओके ओके बन रहा है, लेकिन जब बनने के बाद ना सीरियसली बिल्कुल उन्होंने एक प्रोफेशनल की तरह बनाया है। प्रिंट आउट थी ना वो भी निकाली है। तो गाइस 7 बजे का टाइम है, 8 मिनट पड़े हैं अभी, और कुछ तार वार बांधनी पड़ेगी क्योंकि जलने के बाद में गिर जाएगा नीचे। तो नितिन भाई गया ऊपर और सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सब लोग उधर, तो सब लोग ना उधर जाके छुप गए हैं, देखो। तो बिल्कुल भी मिस मत करना ये ब्लॉग, पूरा देखना, इससे पहले आपने देख लिया होगा नितिन। और हमारी सोसाइटी में शायद पहली बार ये रावण दहन हो रहा है। हाँ। वो भी सिर्फ और सिर्फ चीकू की जिद पे, चीकू ने बोला चाहिए तो ताऊ जी ने बना दिया और पापा ने बनवा दिया है ना। बिजली की तार की कमी थी, फटाफट ना नितिन भैया ऊपर गए एक्सटेंशन बोर्ड काट के तार ले, बस सब दहन होने वाला शुरू। वहाँ पे सारी की सारी जो तैयारियां सब हो चुकी है, और हमने सब बच्चों को ना शिफ्ट कर दिया उधर। तो गाइस यहाँ पे हो रहे हैं अरमान जी के पूरे कपड़े सेट, जैसे कि आपको पता है उनके, हमने कई दिन से अलमारी जो है वो सेट नहीं करी थी, और हमारी अलमारी तो इतनी बुरी है ना, इतनी बुरी है हालत, दिखा भी नहीं सकते, पर हमारा दिल नहीं कर रहा उसे सही करने का। आज क्या हुआ, आज ना चीकू के पापा ये जींस पहन रहे थे जब मैं आई ना, उल्टी रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये तो मेरी है, कह रहे मैं वही सोचू पता नहीं किसकी मैं पहनी, उन्होंने पहनी, और हमारी स्कर्ट भी इनके कपड़ों में पड़ी, हमारी जींस भी मिली मुझे ना, वो मैंने ड्रेकलिंग के कपड़े आए थे तब रखवाई थी। अब मैं सोच रही हूँ ये जींस ये स्कर्ट का तो कोई काम नहीं है, है? ये जींस और स्कर्ट का कोई काम नहीं, इस जींस का भी कोई काम नहीं, इसको बैग में रख दूंगी। चीकू के ना जो अच्छे अच्छे कपड़े मॉल से लेके नहीं आए थे पहले कुछ, वो भी अंदर रखे, पर मैंने अंदर ही रखे हैं टीशर्टों के ऊपर, मैंने कहा चल वहीं रख देती हूँ। तो गाइस जब तक गोलू पूरा अलमारी सेट कर रही है तब तक मैं क्या करती हूँ, शांति आज जल्दी चले गई थी तो खाना वाना नहीं बना हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कई दिन से ना रोटी वोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आज मैं अपने हाथ के पुलाव बना देती हूँ, और मेरे हाथ के पुलाव सब लोगों को पसंद है, और तब तक पुलाव बन जाएंगे तब तक गोलू का सेटिंग भी हो जाएगी, और क्योंकि पुलाव ना गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो फिर जब हो जाएगा ना सारा काम फिर सारे एक साथ ही खाना खाएंगे। और फटाफट मैंने सब कुछ काट लिया है, काट के ऑलरेडी रख के आ चुकी हूँ, बस जाके बनाना है, तड़का लगाना है। तो यहाँ मेरी प्याज टमाटर कट गई है, अभी आलू घर पे थे नहीं, पूरी टोकरी खाली थी आलू की, तो आलू मैंने नीचे से मंगवाए हैं, चावल भिगो के रख दिए हैं फटाफट से बना के, और फिर बैठती हूँ आराम से। तो यहाँ पर ना मैंने सारी अलमारी पूरी सेट कर दी अच्छे
से चीकू के पापा को ना ये जो डब्बा है ना खाली कर दिया है, ये वाला डब्बा, क्योंकि इसके अंदर ना हम शर्टें रखते थे, उनको शर्टें दिखती नहीं थी, ये सारी शर्टें मैं उसमें रखती थी। तो ये सारी ड्राई क्लीन वाली शर्टें हो गई, ये सारी प्रेस वाली शर्टें, इधर जिम की टिश्ती हो गई, ऊपर कुछ जीन्स टांग दी, नीचे भी सामान सेट कर दिया। और अभी भी देखा कि ना प्रेस के कपड़े भी बहुत सारे आ गए हैं, तो प्रेस के कपड़े भी लपेट के मतलब लिपटे हुए हैं, इन सबको भी सेट कर देती हूँ। सच में बहुत मुश्किल रहता है कपड़े सेट करना। तो आजकल ना मैं और पाल सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं घर पे, तो बहुत ही मुश्किल रहता है घर सेट करना। आज घर पर आया ना घर इतना फैला हुआ लग रहा है, इतना फैला लग रहा है, ये भी जो ड्रॉर है वो भी साफ करना, वो ड्रॉर भी साफ करना, ऊपर वाला ड्रॉर भी साफ करना है। तो आज तो भाई मेरे को आधा पौना घंटा लग जाएगा एक कमरा सेट करने में। और गाइज इनमें से ना बहुत सारे नाइट सूट ऐसे भी है जो मुझे पाल को थोड़े से टाइट हो गए हैं, तो वो भी मैं ना निकाल दूंगी। ऐसे दो नाइट सूट ये है, तो ये सब नाइट सूट जो टाइट हो गए ना सब ये भी निकालना है। तो गाइज चीकू खा रहा है खाना और कल जाना है तो स्कूल, अभी मैम से पूछा है, छुट्टी तो नहीं है। खाना खाते हुए मैंने इसको ड्रॉइंग बना के दिए, बहुत ही सुंदर, दिखाना लड़का लड़की दिखाओ, पहले लड़का लड़की बनाई है मैंने, बहुत ही खूबसूरत अच्छा छोटे चेहरा। तो बस खाना खिला के हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात, जिसने अभी तक गुंडे का दिल गाना नहीं सुना है जल्दी से जाके, नंबर वन रिकॉर्ड्स पे गाना आ गया है गुंडे का दिल, बहुत ही जबरदस्त गाना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ खैर। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खाओ पियो करो। बाय बाय, गुड नाइट। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खाओ पियो करो। बाय बाय। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।